डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब ने आज डीजी खान का दौरा किया, क्वारंटीन सेंटर गए और वहाँ मौजूद सहूलियात के फुकदान पर कुछ गरम बरहम भी हुए, तो क्या इस सब से मामलात आगे सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है फॉर लॉजिस्टिक्स ऑफ द पेशेंट्स, स्पेशली क्वारंटाइन में रखना और उसमें फिर आइसोलेशन में रखना और क्रॉस इन्फेक्शन को रोक के रखना. इट्स ए वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट नीड्स ए वेरी जो है वो एक्सपर्टीज ऑफ दैट काइंड. इन्फेक्शियस डिजीज़ को जो कंट्रोल करने वाले लोग हैं, क्योंकि जब आप क्वारंटाइन में उन लोगों को हॉस्टल्स में इकट्ठे कर देंगे तो वहाँ पर स्क्रीनिंग के अमल, क्योंकि देखिए ना, 4 से 15 दिन में वो जो वायरस है वो प्रवेश करता है आपके बदन में और फिर उसके सिम्टम्स जो हैं इस दौरान में आने शुरू होते हैं. तो उसकी जो पॉजिटिव आपकी जो हैं डायग्नोस्टिक किट्स के साथ उनकी जो जो हैं आपके डिटेक्शन बाय द यानी जो है लैब टेस्ट, वो मैंडेटरी अब कल से मेरा ख्याल है हो गई है कि जितने लोग बाहर से आएंगे जितनी भी एयरलाइन से उनको वो सर्टिफिकेट वहाँ पर. ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जी. वो अब इंटरनेशनली अब हुआ है, इंटरनेशनली अब हो रहा है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था. हम पड़ोस में है सर, और चाइना के साथ बैठे हैं, ईरान में आपके सामने केसेस आ रहे हैं, ईरान में जो सूरत हाल है वो बहुत ही कशीदा हो गई है. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर्स के वहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो भर गए हैं पेशेंट से, और हमारे जो हैं गवर्नमेंट ने और लोगों ने शुरू में जो है वो प्रॉपर मेजर्स नहीं लिए और लोगों ने भी कोऑपरेट नहीं किया. मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से बार बार लोगों से ये अपील करता हूँ कि इस मामले की ग्रेविटी का एहसास करें. आप हर कौम पूरी जो है बहसीत कौम इसके अगेंस्ट जब तक नहीं लड़ेगी, कोई भी जो है वो हम हुकूमत जो है अकेली इस पर ओवरकम नहीं कर सकती. मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आपके जो दोस्त और मेहमान बाहर से आ रहे हैं, अब वो जैसे ही आए तो वो अपने आप को क्वारंटीन में घर पर ही रख लें.